हनुमान जी भी मन से भगवान के हैं, उन्होंने वेश नहीं धारण किया। और एक दिन धारण किया वेश, कब? जानकी माता के पास गए भवन में। माता श्रृंगार कर रही थी और वे मांग में सिंदूर लगा रही थी। श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, ये सिंदूर ये काहे को लगाती हो? अब जानकी माता ने सोचा कि हनुमान जी को समझाना मुश्किल है, ये तो आजन्म बाल ब्रह्मचारी है, इन्होंने तो संसार के बारे में कुछ समझा नहीं, देखा नहीं, क्या कहूं। तो जानकी माता ने कहा, वत्स, इसे धारण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। बस हनुमान जी ने इतना सुन लिया कि इतना सा सिंदूर धारण करने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, तो हम जाते हैं। गए सरजू जी किनारे, पूरे शरीर में सिंदूर ही सिंदूर पोत लिया, पूरा सिंदूर, और पूरे शरीर में सिंदूर पोत कर आंखें आंखें चमक रही, सब जगह सिंदूर। गए राम जी के दरबार, राम जी ने देखा कि ये कौन आ रहा है, पहचान ही नहीं पाए राम जी कौन है। और जब पास आए, अरे ये तो हनुमान है, तो राम जी को इतने जोर की हंसी लगी कि राम जी हंसते हंसते अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। हनुमान जी ने मन में सोचा कि जानकी माता ने ठीक कहा था कि भगवान प्रसन्न होते हैं, जब इतने से सिंदूर पर इतने प्रसन्न, तो इतने से सिंदूर पर परम प्रसन्न। कई कारण माप कहो मोहिते, तुम सेंदूर बिंदु सुभाल दियो, तब सीय कहो यही साज सजे, अपने प्रभु को हर साथ ही हो। सुनके अस बैन प्रभंजन सून, रिझाऊं गो राम विचार कियो, अविलंब सिधाए राजेश कपि, सिगरे तन सेंदुर पोत लियो। जिस भेष पर भगवान रीझे वही भेष धारण करूंगी। बड़ी कठिन बात है कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए वेश धारण करे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करे। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, यत करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्।